एक बार एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है देख लीजिए। पहले एक रोड है, मैं आपसे ही करवाऊंगा, अभी इक्वेशन आपसे बनाऊंगा, क्या है आप इधर देखिए। एक रोड है, मास की वो अटैच है पूरे मास की रोड से, दोनों की लेंथ एल है, दोनों यूनिफॉर्म, एक को तो हिंज कर रखा है, ठीक है, यही सीधा बांध रखा है लोहे से या किससे भी, और एक जगह किससे बांधी हुई है रस्सी से, स्ट्रिंग से। अब ये बोला है जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, मतलब स्ट्रिंग को कट करना होगा, और रिलीज वाला ही काम किया जैसे पिछली बार रिलीज किया था, लेकिन रिलीज करने से पहले आपने हाथ से निपट रखा रस्सी से बांध रखा है। पूछा है कि स्ट्रिंग कट करने के जस्ट बाद पहला ऑप्शन हिंज फोर्स में चेंज होगा 7/10 mg। पहले मुझे अब ये तो इस तरह का क्वेश्चन है कि एक चीज चेक करनी पड़ेगी, पहले हिंज फोर्स में चेंज निकाले, चेंज निकालने के लिए इनिशियल हिंज फोर्स थी और एक बाद में जस्ट आफ्टर कटिंग थी। दूसरा कहता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड ऑफ मास m, पूरे का सेंटर ऑफ मास नहीं खाली इसका सेंटर ऑफ मास, उसकी एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कट बोला है, जस्ट आफ्टर कट होगी 7/20, ये चेक करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, ये आखिरी पॉइंट जो है कट करने के बाद जो ऊपर लिख दिया जस्ट आफ्टर कटिंग वो कितनी है 21 g/20। चौथा कहता है एक भी करें, शुरुआत करें, क्वेश्चन आ गया ना समझ के आए, ठीक है। सबसे पहली बात ऐसे सवाल में आपको बिफोर कटिंग आफ्टर कटिंग, देखो आप एक बार ये कुछ नोट किया हो तो मैं मिटा दूं यहां से ताकि आप बता दें कि आप ये ऑप्शन में ये वैल्यू ये वैल्यू चले, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा चेंज इन हिंज फोर्स, तो उसके लिए मुझे इनिशियल हिंज फोर्स चाहिए और जस्ट आफ्टर कटिंग हिंज फोर्स चाहिए, क्या होगा क्या नहीं, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला ये है बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग आपका ये डायग्राम है, बिफोर कटिंग ये डायग्राम है, ठीक है। इस वक्त दो फोर्स लग रहे होंगे, एक इधर से टेंशन और एक उधर से टेंशन, मुझे किस में चेंज निकालना है, रस्सी के फोर्स में या स्ट्रिंग के फोर्स में, ना स्ट्रिंग के फोर्स में या हिंज के फोर्स में, पहला ऑप्शन क्या है, मैं दोनों में चेंज बताऊंगा आपको, दोनों में क्या चेंज। सपोज यहां टेंशन है T1 और यहां टेंशन है कितनी T2, मैं एक बार इसका एमबीडी बना दूं पूरा, यहां टेंशन है T1 यहां टेंशन है T2, थोड़ा मैं इधर करता हूं, देखिए हाँ जी मनीष सब दिख रहा है सही, यस सर, ठीक है। देखो यहां टेंशन T1 है और यहां टेंशन T2 है, ये है बिफोर कटिंग, और क्या क्या फोर्स है यहां पे नीचे लग रहा होगा mg, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेने हो, और यहां नीचे क्या लग रहा होगा 2 mg, बस और तो कोई फोर्स ही नहीं। एक इक्वेशन तो बन जाएगी फोर्स बैलेंस से, क्या इक्वेशन बनेगी, फोर्स बैलेंस कर दो T1 प्लस T2 तो ऊपर है और ये नीचे है, तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 mg, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 mg, पहली बात बताओ क्या ये समझ आ गया कि नहीं। लेकिन एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो दोनों वैल्यू कैसे निकाल देंगे, आधा काट दो ऐसी कोई सिमेट्री है नहीं, उधर मास कम है इधर मास ज्यादा है, तब दो वैल्यू कैसे निकले T1 या T2। जब कोई चीज रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स भी जीरो है और उस पर टॉर्क भी जीरो, क्या घूम रही है क्या अभी, घूम भी नहीं रही है, तो इसका मतलब टॉर्क भी कितना है जीरो। कोई भी एक पॉइंट लो और उसके बाद टॉर्क बैलेंस कर दो, मान लो मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करूं तो T2 आ जाएगा और इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करूं तो T1, मैं आपको दोनों मतलब एक कर लेंगे उससे अपने आप दूसरा यहां से निकल आएगा। सपोज मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं ए पॉइंट के बाद, ए पॉइंट के बाद ये तो मैंने किसको बैलेंस किया है फोर्स को, अब मैं एक इक्वेशन बनाऊं टॉर्क बैलेंसिंग की अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए में टॉर्क बैलेंसिंग की इक्वेशन बनाता हूं। देखो आप ध्यान से देखो ए पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क कितना, क्योंकि रेस्ट पे है इसलिए टॉर्क बैलेंस होगा, ए पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क कितना सही बता रहे कितना जीरो, क्योंकि T2 तो पास ही यहां से हो रहा है। ए पॉइंट के अबाउट 2 mg का टॉर्क होगा यूं, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ए पॉइंट के अबाउट 2 mg यूं घुमाना जा रहा है यूं नीचे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना 2 mg × L/2,
ए पॉइंट के अबाउट एमजीयू घुमाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना उसको कैसे देख रहे हैं? कोई आर क्रॉस एफ नहीं, अपने कॉमन सेंस लगा रहे हैं। एमजी का टॉर्क कितना होगा? एमजी इंटू एल, यही एल तो यही है और एल बाई टू ये रहा, ए पॉइंट और टी एल बाई टू। और ए पॉइंट के अबाउट टी वन का टॉर्क यू, टी वन ऊपर लग रहे हैं ना, टी वन का टॉर्क कितना होगा? टी वन इंटू टू एल, समझ रहे हो क्या? और ये डायरेक्शन कौन सी है? स्लोप वाइज। तो देखो अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट बैलेंस करूं तो टी वन निकल आएगा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करता तो टी टू निकल जाता, समझ गए? टॉर्क बैलेंसिंग करवाओ अबाउट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क ये रे और एंटी क्लॉकवाइज ना सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये रे और क्लॉकवाइज, इन दोनों को जोड़ दो। पहला टॉर्क टू एम जी इंटू एल बाई टू, बताओ समझ आया क्या कैसे लिख रहे? देखो अगर एक भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो बोलो अभी, क्योंकि फिर तो कैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा अगर अभी दिक्कत होगी तो। पूछ लो ये कि टॉर्क कैसे लिखा है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर से, ठीक है? अगला प्लस नेक्स्ट क्या होगा? एम जी इंटू एल प्लस एल बाई टू थ्री एल बाई टू, एम जी इंटू थ्री एल बाई टू बराबर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? टी वन इंटू टू एल, टी वन इंटू टू एल, इक्वेशन नंबर। भाई बताओ क्या टॉर्क बैलेंस करना आ गया कि नहीं? क्यों किया टॉर्क बैलेंस? क्योंकि रोड रेस्ट पे थी तो ना तो ट्रांसलेशन मोशन है और ना ही रोटेशन, इसलिए टॉर्क बैलेंस। ए की पॉइंट के अबाउट क्यों किया? क्योंकि इसके अबाउट करने का काम फायदा ये हो गया, टी टू खत्म हो गया, अब इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचेगा कौन? टी वन, टी वन आ गया। आपको टी टू चाहिए तो उसके अबाउट बैलेंस कर दो, और नहीं तो अपने पास फोर्स बैलेंस की इक्वेशन है। अब आप एक काम करो, मैं दो मिनट वेट करता हूँ आपका, इस इक्वेशन से पहले मुझे टी वन बताओ इन टर्म्स ऑफ एमजी कितना है। इस इक्वेशन नंबर टू से टी वन आप बताएंगे, इक्वेशन नंबर टू से टी वन आप बताएंगे कि भाई एमजी की टर्म्स में कितना आ रहा है। प्रवेश आप बताओ क्या आंसर आ रहा है? प्रवेश वेट कर रहा हूं मैं आपकी। क्या 5mg by 4 आ रहा है? आप लोग जो बोल रहे हैं, हाँ जी भाई आप दोनों 5mg by 4 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? Yes, sir. आ गया ना, देखो आपने सिंप्लीफाई किया, L कॉमन आके कट गया, जोड़ घटा किया, जो भी हुआ, मैं मान लूं कि आप सही बोल रहे हो, तो यहां से अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन में अगर मैं लिखूं तो जो T1 आया मेरा, T1 वो आया 5mg by 4, और अब T2 बताओ ऊपर रख के इक्वेशन 1 में 7mg by 4, तो मतलब मेरे पास बिफोर कटिंग में दो चीजें निकाल चुका हूं, क्या क्या? एक तो हिंज फोर्स, हिंज फोर्स कितना आया? 41 था, कितना आया? 5/4 mg, और एक स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स कितना आया बता रहे हो? 7/4 mg। दो दिन एक रिजल्ट आ गए कि भाई बिफोर कटिंग कैसे निकालना है, शायद सभी को क्लियर है। अब आएंगे आफ्टर कटिंग पे, बिफोर कटिंग तो हम निकाल ही चुके हैं। आप बताओ कभी न्यूटन्स लॉ के समय पढ़ाया था, रस्सी एकदम ढीली होती है या स्प्रिंग एकदम ढीली होती है? रस्सी, स्ट्रिंग, यानी कि कट करते ही स्ट्रिंग की टेंशन तो कितनी हो जाएगी? जीरो। लो एक चीज तो खत्म, समझ हो गया, क्लियर हो गया? जस्ट आफ्टर कटिंग मैं मिटा दूं क्या ये इक्वेशन? अगर ये होगी तो अब मैं बात करूंगा आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। तो एक चीज तो मैं पहले ही कह सकता हूं कि जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? जीरो। हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है कि चेंज इन स्प्रिंग फोर्स, मैंने चार ऑप्शन दिए, अगर चौथा ऑप्शन ऐसा होता चेंज इन स्ट्रिंग फोर्स तो क्या आंसर आ जाता? 7/4 mg, 7/4 mg था और जीरो हो गया, तो इतना चाहिए, समझ में आया? हमें किस में चेंज निकालना है? हिंज फोर्स, जे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन है ये, क्योंकि उनमें ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं क्लियर, जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि
एक एक सवाल में ना तीन तीन चीजें पूछ लेते हो, ऐसा नहीं होगा कि एक हो गया तो बस काम चल गया, मल्टी करेक्ट है, उसी से अगला होगा, उसी से अगला, तो यूं चलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह का एक सवाल है जिसे बच्चे ने भेजा है। आफ्टर कटिंग ये तो जीरो हो गया, और आफ्टर कटिंग हिंज फोर्स निकालने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे आपने एक सिंगल रोड को रिलीज किया, जैसे एक सिंगल रोड को रिलीज किया तो बिल्कुल सेम। कैसे करें तो बताओ, पहले तो जस्ट आफ्टर कटिंग ये लो जी ये हटा दी मैंने स्ट्रिंग, कट करते ही कुछ अल्फा आएगा, पहले तो अल्फा निकालो, टाउ इज इक्वल टू आई टू अल्फा से अबाउट दैट पॉइंट, उसको मैं बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं एच बोल देता हूं, एच तो अबाउट पॉइंट एच, पहले तो आपको टॉ इज इक्वल टू आई टू अल्फा करना पड़ेगा, अब नई गली का टी वन ही है या कुछ अलग हो गई है हिंज फोर्स की, एक बार जवाब दो, नई गली में टी वन ही लेगी कुछ अलग नहीं, नई गली टी वन ही लेगी कुछ अलग नहीं हिंज फोर्स की, T1 ही लेंगे तो चेंज जीरो हो गया, हम निकाल तो चीज रहे हो, क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन फोर्स, तो क्या T1 ही लेना होगा भाई, नई वैल्यू जस्ट आफ्टर कटिंग T1 ही लेंगे इन फोर्स की, अलग ले अलग लेंगे तभी तो कुछ चेंज दिखेगा। मान लो ये T1 डैश है, अब ये आपका अरेंजमेंट है, अब आप पहले अल्फा निकालोगे, कैसे इन फोर्स निकालना सीखा होगा, एक बार मुझे ये बताओ अबाउट पॉइंट एच, आफ्टर कटिंग अबाउट पॉइंट एच, तीन ही फोर्स है, चार नहीं है, तीन ही फोर्स है, हिंज फोर्स है एक, ये है और एक ये, ठीक है, हिंज फोर्स लेकिन अब किसी भी एंगल पे हो सकता है, तो मैंने बताया था ना कि इसके दो कंपोनेंट बना दो, समझ गए हो, तो मैंने इनको T1 डैश बोल दिया हिंज फोर्स को। अब देखो मैं दोबारा से डायग्राम बना के दिखाता हूं आगे कि जस्ट आफ्टर कटिंग क्या बनना चाहिए, जस्ट आफ्टर कटिंग क्या बनना चाहिए वो समझिए, जस्ट आफ्टर कटिंग जो हिंज फोर्स है मैं उसे एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं जैसे हम पीछे करते हैं, और उसके दो कंपोनेंट दिखाएंगे, एक N1 और एक, समझ आया कि नहीं आया बताओ, कि वही सवाल हो गया है जो पहले किए हैं, जिस तरह का एक फोर्स यहाँ पे mg, एक फोर्स यहाँ पे 2mg, रस्सी है नहीं, इसी को आप रेफरेंस पॉइंट मान लो, इसके अब आप टॉर्क इक्वेशन लिखोगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ रोटेशन लिखोगे, तो उसका फायदा क्या है, n1 into i की इक्वेशन उनका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। क्या टॉर्क बैलेंस करना है आपको, ये बताओ क्या इस वक्त टॉर्क बैलेंस है, जैसे आपने पहले किया था बिफोर कटिंग तो टॉर्क बैलेंस हो गया था, क्या इस वक्त टॉर्क बैलेंस है, नहीं, इस वक्त तो टॉर्क की वजह से कुछ अल्फा आएगा, हमें निकालना है टॉ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। जब भी ये इक्वेशन लगाएं तो पॉइंट नहीं एक्सिस लेना होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी पॉइंट के अबाउट नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होता है, पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको एक्सिस बताना होगा, तो मैं इस एक्सिस को दूं, ये वाला एक्सिस जो आर पार जा रहा है, मैंने एक एक्सिस दिया ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लिखेंगे लेकिन पहले टॉर्क लिखेंगे, अबाउट द एक्सिस अगर आपको टॉर्क लिखना है तो एक्सिस पे पॉइंट लेके पहले उसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं, फिर टॉर्क का कंपोनेंट कर देते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, फिर टॉर्क का कंपोनेंट कर देते हैं हम पैरेलल टू द एक्सिस, ये है। तो तरीका देखो क्या है, किस तरीके से होगा, सबसे पहली बात N1 और N2 का टॉर्क तो एच के अबाउट जीरो, अब एम जी के टॉर्क की मैं बात करता हूँ, एम जी नीचे तो
तो एम जी इंटू एल बाई टू, एम जी इंटू एल बाई टू, और ये जो टॉर्क आएगा ये यूं आएगा, यूं तो घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट एम जी। ये टॉर्क है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड होता है, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड होता है, और इनवर्ड डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल है ही नहीं, यानी कि जो टॉर्क पॉइंट के अबाउट आएगा वही एक्सिस के अबाउट है ना, याद है ये तो अच्छे से। तो पहला टॉर्क तो बना एम जी इंटू एल बाई टू, अबाउट एच में लिख रहा हूं, अबाउट एच पहला टॉर्क तो बना एम जी इंटू एल बाई टू, प्लस दूसरा टॉर्क बोलो टू एम जी का भी ऐसे ही है, टू एम जी इंटू थ्री एल बाई टू, एल प्लस एल बाई टू, आ रहा है समझ, प्लस टू एम जी इंटू थ्री एल बाई टू, ये तो हो गया नेट टॉर्क। फिर आई लिखेंगे एक बार टॉर्क की, थोड़ा इकट्ठा कर लो कितना बन रहा है, एम जी एल मोल लेके देखो क्या बन रहा है, टू से टू भी गया, दो तीन छह और सेवन एम जी भाई, सेवन एम जी एल बाई टू को ना, तो ये टॉर्क आपका आया अबाउट पॉइंट एच सेवन एम जी एल बाई टू, टॉर्क आ गया अबाउट पॉइंट एच सेवन एम जी एल बाई टू। अब इस टॉर्क को किससे इक्वेट करना होगा, आई इंटू अल्फा से, उससे अल्फा आएगा, लेकिन आई लिखना सीखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका तो मैं लिख दूं बड़े आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रोड के तो एक एंड पे है, अरे यूं मत कर देना पूरा मास 3m पूरी लेंथ 2l, हमें पता है कि एक्सिस एंड से हो तो मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 3, हम जानते हैं ना कई तरह के फॉर्मूले, तो गलत नहीं लगाने, पूरा मास 3m का यूनिफॉर्मली बटा है, क्या 1.5m इधर और क्या 1.5m उधर, इधर तो ऐसा नहीं करना है, इस रोड का अलग लिखो और उसको अलग लिखो, ये भी एक अच्छा काम है, इस बच्चे ने जो ये सवाल पूछा है इसमें ये भी एक अच्छा काम है कि आई कैसे लिखे, ठीक है। तो देखो पहले पहली रोड का आई बताओ, पहली रोड का लिखना आसान है, एक्सिस यहां से पास हो रहा है, मास एम एल लेंथ है, तो पहली रोड का आई क्या होगा, अरे एम एल स्क्वायर बाई बाई, मैं बोल रहा हूं बाई, आप भी बोल रहे हो बाई, एम एल स्क्वायर बाई, पहली रोड को देखो, पहली रोड उसके एंड से एक्सिस पास हो रहा है, एम एल स्क्वायर बाई, हाँ भाई एम एल स्क्वायर बाई 3, अगर सेंटर से होता तो एम एल स्क्वायर बाई 12, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आप एक बार इस रोड को देखो, इस रोड के तो एंड से पास हो रहा है ना एक्सिस परपेंडिकुलर, एंड से पास हो तो एम एल स्क्वायर बाई 3 और सेंटर से पास हो तो एम एल स्क्वायर बाई 12, याद है, तो एक रोड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, पहली रोड का तो होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, लेकिन दूसरे का कैसे लिखें, क्योंकि ये एक्सिस दूसरी रोड के ना तो सेंटर से पास हो रहा है और ना ही एज से, तो ऐसे में आपको ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पहले लिखो उसके सेंटर के अबाउट, उसके सेंटर के अबाउट आपने एक एक्सिस दिया, देखो दूसरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखना है, दूसरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखना है, तो सबसे पहले ना तो ये एक्सिस उसके एज से पास हो रहा है ना सेंटर से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगती है जब कम से कम एक एक्सिस कहां से पास हो उसके सेंटर से, तो इसके सेंटर ये रहा, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रोड का m, मास कितना है इसका 2m इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोलो 12, प्लस साइड वाला जब भी लिखते हैं साइड वाले के अबाउट, मुझे तो इसके अबाउट लिखना है, प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है 3l बाय 2, टोटल मास इनटू 3l बाय 2 का स्क्वायर, समझ आ रहा है क्या भाई, ये बताओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, अगर एक बार ढंग से चीजें दिमाग में है ना, ये तो हो गया इस रोड का, और साथ में ये हो गया इस रोड का, आप मुझे सम करके बता दो इसका और इसका सम कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एम एल स्क्वायर, जल्दी जल्दी टाइम भी इतना ही, जो बच्चे अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग बीच में ऑफ हो सकती है, अगर वो पार्टिसिपेंट वाली लिमिट आ जाती है, जल्दी बोलो भाई कितना आ रहा है दोनों रोड 5m स्क्वायर, बस हो सकता है, तो जो आई आया टॉर्क ये रहा 7m3l/2, आई आया एच पॉइंट के अबाउट, एच वाले एक्सिस के अबाउट,
इन्होंने बोला 5 ml2, यही आ रहा है। अब लगा दो टो इक्वल टू आई टोल फॉर, फटाफट अल्फा निकालो रोड का। क्या आई लिखना सबको समझ आया कैसे लिखना है ना? अब टो इक्वल टू आई टू अल्फा से आप अल्फा निकालो क्या आ रहा है। टॉर्क भी ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, आई भी ये लिखा हुआ है, जल्दी बताएं कितना टाइम लिया। अल्फा कितना है, कितना 7g/10L। आपने टॉ इज इक्वल टू आई टू अल्फा लगाया और उससे आपका अल्फा निकल के आया बता रहे 7g/10L। क्या ये लगभग वही काम नहीं चल पड़ा? अब जैसे एक सिंगल रोड थी अब दो वाला आ गया बस, लेकिन आई ढंग से निकाला है, इन चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद हम क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास ढूंढ के उसकी एक्सेलरेशन लिख के सारे फोर्सेस को वहां लगा के n1 n2 आ जाए। करें ये काम, सेंटर ऑफ मास कहां है? अब ये भी एक काम बढ़ गया। देखो जे एडवांस में यही हो जाता है, एक क्वेश्चन में कई बातें पूछ लेते, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करवा लिया, अब सेंटर ऑफ मास का भी यूज करवा लिया, ऐसा तो नहीं बिल्कुल बीच में, क्योंकि दो रोड है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा पहले तो वो निकालो। चलो मैं इसको हटाऊं, मैं अल्फा रखता हूँ बस, अल्फा आया 7g/10L। अब देखिए इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बोलूं, आगे वाले को x एक्सिस, पहली रोड l लेंथ की है तो उसका सेंटर l/2 पे होगा और दूसरी रोड 2m मास की है तो उसका सेंटर 3l/2 पे होगा। कैसे निकालते हैं हम दो अलग अलग पार्ट्स का सेंटर मास बताओ तो, कंबाइंड सेंटर मास कैसे निकालते हैं? एक पूरे मास को समेट के उसके सेंटर पर रख दो, दूसरे को उसके, और फिर m1x1+m2x2 / m1+। समझ आया क्या कर रहे हैं? तो अब आप सेंटर ऑफ मास यहां से कैलकुलेट कीजिए। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताएं कि एक्सियम कितना आ रहा है, इस एंड से हिंज पॉइंट से कितनी दूर आ रहा है, एक्सियम बराबर m1 × x1 + मैं एक बस लिख देता हूँ फिर आपकी बात सुनेंगे, डिवाइडेड बाई m1 + m2। बताना भाई कितना है, 7l/6 आ गया, सही आ रहा है ना, यही आ रहा है। आप देखो अब इसके बाद मिटा दो इसको, मुझे ये पता लग गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हिंज पॉइंट से 7l/6 दूरी पे है, तो उसमें दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है, एक सेंट्रिपिटल जो कि होगी जीरो, क्यों कट किया है तो अभी रिलीज वाला ही तो काम है तो स्पीड जीरो तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जीरो, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन α/2। बोलो कितना, l/2 नहीं इस बार, कितना है करो ये वन तो खतरनाक रहा, कोई बात नहीं डरो मत, 7749। आधी बार बच्चे सोचते हैं दो भी साथ से साथ कट गया, कट थोड़ी रहे 49g/60 एम से टेंजेंशियल आ गया, ए सेंटीमीटर भी आ गया। अब क्या करना होता है, सारे फोर्सेस को कहाँ दिखा दो, सेंटर ऑफ मास को, सारा मास यहाँ दिखा दो, मास तो शायद 3m है, सारे फोर्स कौन कौन से हैं भाई, एक तो mg और 2mg, तो एक तो नीचे कितना हो गया, एक तो नीचे कितना हो गया 3mg, और दो हमने माने थे n1 और n2। n1 कैसे माना था यूं, और n2 तो आप लिखो ना लिखो क्योंकि इधर कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो n2 कितना होगा जीरो। समझ आ रहा है ना, वही न्यूटन लॉ लगा के जैसे आप लगाते थे इस तरह के सवालों में, उसी तरह न्यूटन को लगा के
कीजिए और मुझे बताइए कि कितना है। यार मैंने मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर दी पर ये बच्चे दोबारा जुड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं। हाँ जी अल्फा कितना आ गया? ना अल्फा तो आ गया, मैं तो पूछ रहा हूँ N1 कितना आया? देखो आपने न्यूटन्स लॉ लगाया, N1 ना नीचे वाला पूछ 3mg माइनस N1 इज इक्वल टू 3m इनटू 49g बाई 60। घबराना नहीं है, देखो जेई एडवांस में ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको इतना आगे तक जाना हो, स्टेप क्या कुछ नए थोड़ी आ रहे हैं। हमने आपको पहले कभी ये सिखाया जैसे पिछली बार की भाई एक रोड, इस बार क्या कर दिया एक की बजाय दो रोड, वहां केवल रिलीज किया था या इसको बांध दिया, वहां केवल बाद का फोर्स निकाला या इनिशियल निकाल के फिर फाइनल निकाल के चेंज निकला, यही तो हो रहा है, समझ आ रहा है ना, यही तो फर्क है और कुछ है ही नहीं। तो बताओ यहां से N1 कितना आया? बताया भी था आपने कितना आया? 11 mg तो आएगा भाई 20 और N2 है 0 तो नेट इन फोर्स बार में यही होगा। ठीक है तो अब मैं लिखूं बिफोर कटिंग के बाद आफ्टर कटिंग तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो कितनी होगी? 0 और टेंशन इन हिंज फोर्स केवल N1 है, N2 तो है नहीं, कितना आया? 11/20 mg। अब आपके सवाल का पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन चेंज इन हिंज फोर्स, तो बड़े में छोटा घटा हिंज फोर्स बिफोर एंड हिंज फोर्स आफ्टर। देखो ये बड़ा है, ये एक से बड़ा फैक्टर है 5/4 और ये एक से छोटा, तो आप कीजिए कि डेल्टा हिंज फोर्स कितना है? चेंज इन हिंज फोर्स मॉड ले रहा हूँ मैं उसका कि ऑप्शन इस तरह से, तो बड़े में से छोटा घटाया मैंने तो 5/4 mg माइनस 11/20 mg कितना आया? 7/10 mg। ऑप्शन में क्या लिखा है? तो मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब देखो था थोड़ा बड़ा सवाल था, बड़ा सवाल लेकिन इसने हमें कई बातें सिखाई ना, एक बच्चे ने डाउट भेजा तो कितनी चीजें, बल्कि मैं आपको एक सिंगल रोड का करवाता करवाया था लेकिन इसमें अटैच होकर दो रोड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से आ गया, सेंटर मास ढंग से आ गया। एक चीज बस दिमाग में रखनी है कि लास्ट में N1 N2 कैसे निकलते हैं, सेंटर मास के एक्सेलरेशन तक पहुंच के सारा फोर्स सिस्टम सेंटर मास पे होता है, पहला पार्ट हो गया। अगर ऑप्शन होता चेंज इन हिंज फोर्स ना स्प्रिंग फोर्स तो उसका क्या आंसर होता? स्प्रिंग में 7/4 mg। अब बोलो अगला ऑप्शन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड ऑफ मास m, वो निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड ऑफ मास m वो निकालना है। अब उस पे आते हैं, देखो अब ये गलती मत कर देना, पूरे का सेंटर ऑफ मास नहीं, केवल किसका सेंटर ऑफ मास? m वाले का। तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा? L/2, हिंज से L/2 रिलीज किया तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो कितनी? 0। ओनली कौन सी एक्सेलरेशन होगी? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे, और उसका तो सीधा फॉर्मूला है अल्फा इनटू रेडियस, और वही नेट एक्सेलरेशन होगी। अल्फा ये रखा हुआ है, बताओ कितना आ रहा है? अल्फा ये यहां लिखा ही हुआ है तो बताइए कितना आ रहा है? 7/20। अब अपना ऑप्शन देखो, अगर आपने लिखा है तो क्या दिया है? यही दिया, मतलब बी ऑप्शन भी सही, समझ आ रहे हैं? सी ऑप्शन क्या है? वो जो लास्ट पॉइंट है स्ट्रिंग वाला पॉइंट, उसकी एक्सेलरेशन पूछिए। लास्ट पॉइंट कितनी दूर है? लास्ट पॉइंट कितनी दूर है? 12। तो जो आखिरी जो पॉइंट होगा बिल्कुल एंड में, जब दोनों रोड जाने लगेंगे वो वाला पॉइंट, और 12 दूरी पे है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो उसकी भी 0 है। अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी हो ना तो नेट एक्सेलरेशन होगी अंडर रूट ac² + at² लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो केवल एक ही। तो ये कितना होगा? अल्फा इंटू
12 आ गया समझ, तो अल्फा इंटू 12 करोगे तो बताओ कितना आ रहा है, अल्फा इंटू 12 करेंगे तो 75/5 आ रहा है। क्या यही है क्या तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन कुछ अलग है, और चौथा क्या है? तो ये ठीक है मल्टी करेक्ट था, हमारे पास दो ऑप्शन आ ए और बी। लगभग इस क्वेश्चन ने आपको जेई एडवांस का आइडिया दिया है कि किस तरह के सवाल, देखो जेई मेंस में जो आते हैं एक चीज पूछते हैं, एक क्वेश्चन जेई एडवांस में जो आते हैं बड़े सवाल होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट चेक कर दिया जाता है कि भाई पहले वो पेपर सब्जेक्टिव हुआ करते थे, आजकल वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन्हीं में वो कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि भाई कैसे आप करेंगे। आप बताओ ये रिलीज करने वाले या कट करने वाले रोड वाले मीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ रोटेशन कैसे लगाना है, क्या क्या ये काम आपको यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? समझ आया? ठीक है।